हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास किचन। तो आज वेदास किचन में बनने जा रहा है एक ऐसा मसाला जो कि आप कढ़ाई पनीर, कढ़ाई सोयाबीन या फिर किसी भी तरह की सब्जी में आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस मसाले को ऐड करने के बाद आपकी सब्जी का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए इस मज़ेदार से मसाले को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 सूखी लाल मिर्च और 2 हरी इलायची डालकर इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको लाल मिर्च नहीं डालनी है तो आप लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को लाल मिर्च से प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन करती है, तो आप लाल मिर्च को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। उससे मसाले के टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लाल मिर्च सिर्फ यहाँ पर तीखेपन के लिए ऐड की है मैंने, तो आप लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो सारे मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। और हाँ, हमें इनको ऐसे छोड़ना नहीं है, इनको कड़छी की हेल्प से चलाते रहना है ताकि ये जो है जल ना जाए। तो कड़छी की हेल्प से अगर आप इन्हें चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से सारे मसाले रोस्ट हो जाएंगे। और इनको हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इनके अंदर से खुशबू आना ना शुरू हो जाए। एक अच्छी सी खुशबू इनके अंदर से आनी शुरू हो जाएगी और इनका कलर भी हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाएगा। उस स्टेज तक हमें इनको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब मसालों के अंदर से खुशबू आने लग जाए तो आप समझ जाना कि मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। उस टाइम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो सारे मसाले हैं उनको एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लेंगे, क्योंकि अगर कढ़ाई में छोड़ेंगे तो कढ़ाई में वो नीचे से लग जाएंगे, जल जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है। इसलिए उनको निकाल कर एक प्लेट में साइड रख लेंगे और थोड़ी देर के लिए उन्हें ठंडा होने देंगे। उनके ठंडा होने के बाद एक ग्राइंडर जार लेंगे और ग्राइंडर जार में उन्हें डाल लेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते टाइम थोड़ा रुक रुक कर हमें इसको 2-3 बार ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, मसाला ग्राइंड हो चुका है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इसको किसी भी तरी वाली सब्जी में यूज़ कर सकते हैं और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।